ये बाबा के प्रयांगण में कार्यक्रम हो रहा है और मैं चाहता हूँ जो वॉलेंटियर हैं यहाँ प्रशासन है वो थोड़ा सा पब्लिक आसपास रहे, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सबका है, थोड़ा सा इसमें डिले दीजिए, तो साउंड बढ़ाइए, डिले दीजिए, कहाँ है साउंड ऑपरेटर, थोड़ा सा डिले बढ़ाइए, रिवर रिवर। और आप लोग बड़े प्यारे लोग हैं, मुझे पता था, इसीलिए दोबारा नेपाल में आया मैं, क्योंकि आपसे दूर रह नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। पिछली बार उसमें आपका दोष नहीं था, प्रशासन का एक दायरा होता है, कोविड के वजह से कार्यक्रम कैंसिल था, मैं नेपाल में आके भी आपका मनोरंजन नहीं करा पाया उस जगह पे, लेकिन आज आप लोग इतने अच्छे हैं कि इतने प्यार से खेसारी का स्वागत किए, लव यू आप सबका। और ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबका बहुत योगदान होना चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा कोई नेपाल में भोजपुरी आर्टिस्ट कार्यक्रम करने भोजपुरी क्या, कोई हिंदी का भी आदमी नहीं आएगा, इसलिए सलीनता के साथ इस कार्यक्रम को आप सब जरूर बनाइएगा, बनाइएगा ना, सबको सम्मान के साथ। और ये बाबा की नगरी में कार्यक्रम है, यहाँ आने के लिए ये धरती इतनी कुशल है, ये धरती इतनी पूजनीय है, और इस पे रहने वाला हर वो आदमी मुझे शिव ही नजर आ रहा है, सब भगवान शिव नजर आ रहे हैं। और मुझे पता है कि आज आप लोग अपनी सलीनता का परिचय दीजिएगा, जगह काफी है, सब लोग अगर बैठ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, सब लोग देख पाएंगे, नहीं तो उसी में उग्र होगा और चीजें खराब हो जाती है, तो आप लोग प्यार से बैठ जाइए, कुर्सी की क्या जरूरत है, जमीन के लोग हैं, जमींदार लोग हैं, सब जमीनी आदमी है, मैं भी जमीन का ही हूं, अगर आप लोगों को दिखाने का मतलब नहीं होता तो मैं भी जमीन पे बैठ के गाता, लेकिन आप देख नहीं पाओगे मुझे, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि रे बना रहा है उतर, यहां गिर लग गया अंतरिक्ष में गई लो, मंगल ग्रह पर चल जीब गिर बताओ, तू अकेले ना जीब, दो तीन जना के और ले जाइब, उतर जा, हाँ बेमतलब के नेटवर्क ढूंढत रहो जी, उतर जा, बुजुर्ग आदमी बड़ा मर्द अगिलबो तो खत्म हो जीवो, इसलिए आप लोग अपना परिचय सलीनता का दीजिए, हम अभी तुरंत आप सबके लिए ही आए हैं, आप जब तक ऐसे ही प्यार करते रहिएगा आप सबके बीच में, आपका बेटा, आपका भाई, आपका खेसारी लाल यादव, ये माही मनीषा, ये पिछले शो का भी हिस्सा थी, पिछले शो में भी प्रॉब्लम हुआ था, मैं नेपाल में आया था, मुझे होटल में चारों तरफ से प्रशासन ने घेर लिया कि आप नहीं जा पाएंगे, कोविड के वजह से कार्यक्रम कैंसिल किया गया था, ऑर्गेनाइजर ने गलत काम किया था, हमें परमिशन का लेटर नहीं दिया था, वो 5 दिन पहले का दे दिया था, 2 दिन पहले का नहीं दिया था, इसलिए पंगा हुआ कि मैं आकर भी नहीं गया, और लोगों के अंदर वो उत्साह खेसारी को प्यार करने की थी, और उसमें नुकसान खेसारी का ही हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सबके बीच में इसीलिए आया कि मैं देखना चाहता था कि मैं गलत हूं कि पब्लिक, लेकिन आप बिल्कुल सही हैं, कुछ गलत होते हैं जो उग्र कर देते हैं, आप ईश्वर की तरह हैं, भगवान शिव की तरह हैं, दिल से प्रणाम, सबको सलूट करता हूं कि आप लोग इतनी सलीनता के साथ, इधर भी लोग हैं, इधर भी बोल देता हूं, इधर देख ले, आप माई मनीषा अंदर चले जाओ, सबको प्रणाम करें, बोलो हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का दिन है, आज हम सबके लिए शुभ घड़ी है, इस शुभ घड़ी में हम सबको प्यार करना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है, आप लोग देख नहीं पाओगे, सामने बहुत बड़ी थी, इससे दिक्कत होगा, आप इधर आ जाओ, सामने इधर आ जाओ, सब लोग पीछे से ना लो, कि पीछे से क्या देख बलो, है नहीं आ जा लो, है नहीं आ जा लो। और मैं वॉलंटियर से कहना चाहता हूं कि सबको प्यार से सलीनता से बैठाने का काम करिएगा, किसी पे कोई लाठी डंडा मत चलाएगा, क्योंकि इन पे ही बचती है तो खेसारी पड़ता है, क्योंकि मेरी जिनके बदौलत चलती है, क्योंकि सब जानते थे कि मैं था, आज क्या हूं और आगे क्या होने वाला हूं,
तो आप लोग बस सलीमता का परिचय दीजिएगा। सब लोग घर से बैठ जाएंगे ना तो कार्यक्रम बड़ा मजा आएगा। मैं आज पागलों तरह नाचने वाला हूँ, पागल की तरह। बस सरते आप लोग को बैठना पड़ेगा, बैठ जाएंगे तो मुझे भी मजा आएगा और बड़ा उत्साह के साथ मैं भी आया हूँ आपके धरती पे आपका आशीर्वाद लेने के लिए। तो प्लीज आप सब थोड़ा बैठ के अपना परिचय दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि आप मुझे कितना मोहब्बत करते हैं। पीछे वाले आगे वाले को बैठाने का करिए, इतने वॉलंटियर नहीं बैठा पाएंगे। इसे पब्लिक ही पब्लिक को बैठाएगा तो शायद कार्यक्रम बहुत अच्छा से देख पाएंगे सब और मजा भी ले पाएंगे। आओ बिकी, बस 5 से 10 मिनट का टाइम दीजिए। ये सब एस्टिमेट लग रहा है। अच्छा माला मत नाव पकड़ी, थैंक यू बाबू, थैंक यू जरूर करिएगा। हेलो साउंड वाला भैया, म्यूजिशियन लोग को माइक दीजिए तुरंत। हेलो, देख जितना उन कलाकार बाहे के स्टेज पर छे, कृपया अपने सब स्टेज से नीचा जाकर सहयोग कर दी। कलाकार बाहे के जो उन साथी सब स्टेज पर छी, अपने सबसे अनुरोध है कृपया अपने मंच खाली। एगो स्टेज पर से कृपया स्टेज पर से जितना जो साथी सा है हाला हो रहा है, आप लोग गृह रूम में सब लोग चले। हाँ कार बाइक अपने विनोम स्वयं सेवक साथी सब कलाकार बाइक पूर्ण साथी सब कहे कि ठीक है भोजपुरी के सुपर स्टार जो ना के हिट सीन कहले खेसारी लाल यादव जी मंच पर है और बड़ा शालीन से कहलन है अपने सबके कार्यक्रम सफल बनावे के लिए। कृपया अपने सब शांत रहू और भव्य तरीका से सफल बनाओ। जो मधानी महायज्ञ में उपस्थित संपूर्ण दर्शक लोगों से अनुरोध है। हाँ साउंड वाला भैया माइक इधर चालू करिए, म्यूजिशियन का कहा है आप, थोड़ा थोड़ा तेजी में किया। कीबोर्ड से करिए, कीबोर्ड कीबोर्ड का लाइट दीजिए। कृपया अपने से शांत बना के रहो, अपने से के बीच में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी है, अपने शांत बना के रहो तब हर प्रस्तुति। हमरा मालूम है अपने सब हर देख के लेल बहुत दूर दूर से आयल छी मधानी महायज्ञ के। कीबोर्ड लाइन नहीं आए, देखिए एक बार सरल भैया वॉल्यूम बढ़ाइए कीबोर्ड का वॉल्यूम। साउंड डाले भैया कीबोर्ड में वॉल्यूम बढ़ाइए।
बेंजू का देखिए साउंड डाला भैया, बेंजू का आवाज बढ़ाइए। बेंजू बेंजू बढ़ाइए और बढ़ाइए। पास ना ना और बढ़ाइए साउंड भैया अपने से के बीच में। तब तक साउंड म्यूजिशियन लोग के काम हो रहा है तब तक और बढ़ाइए साउंड। नेपाल के ही चर्चित कलाकार रचना शिवाकोटी जी के अपन प्रस्तुत कर रहे हम अनुरोध करम। तब तक अपने से अनुरोध है कृपया जोर से नेपाली कलाकार रचना शिवाकोटी के भी अपने सब जोरदार ताली से स्वागत करू। और बाद में हम खेसारी भैया के प्रस्तुति देखी के है। बेंजू का साउंड बढ़ाइए ना और भैया बेंजू में सार पढ़ाइए। ल तब हई जौन अगाड़ू जौन साथी सब सब छी जौन बार के जौन तैका ओनही तो हम तो ठीक रही काहे बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। अपने से कृपया शांत बना के वॉलंटियर साथी सके सहयोग करू। भोलिए और पढ़ा दीजिए भोलिए गीत गीत रोकिए मत बोलिए। हेलो बेंजू भोलिए पढ़ाइए अभी साउंड डाला भैया तबला देखिए तबला ट्रैक 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 प्लीज। तब तक ल रचना शिवाकोटी अपने से के बीच में उठाइए और उठाइए और उठाइए ट्रेवल कर कर ठीक है बेस देखिए बेस बढ़ाइए बेस तबला का बेस ट्रैक प्लीज ट्रैक प्लीज ए वो तब तक बजा दी। हेलो आर्या ऑन कर ऑन कर लेवल बढ़ाइए लेवल बढ़ाओ ना यार नहीं वो गीत तब और बढ़ाइए लेवल गीत बजाओ ना तब तक लेवल खोलिए तब तक का बाय तबला बजाओ ना ले तो बाय बाय हेलो क्या बजा दिए रुकिए रुकिए फिर गाना रुकिए रुकिए
हेलो ढोलक का साउंड देखिए, ढोलक का कौन है? लव अपने से के बीच में चर्चितार रचना शिवा कोटे प्रस्तुति करके गेलन हा। चलिए आप लोग थोड़ा जो भी ये बजा रहे हैं उनसे आग्रह है कि रिकॉर्डिंग वगैरह मत बजाइए, म्यूजिशियन मिला ले दीजिए ताकि हम लोग कार्यक्रम शुरुआत कर सके। ठीक है, हमारे सामने वाले भैया से आग्रह है पहले म्यूजिशियन को मिलाइए। हाँ, म्यूजिशियन के पांच नंबर देखिए तबला, पांच ना अगर बात में कर दीजिए, चाटी उठाइए, गंद उठाइए इसका, चार और पांच, पांच नंबर उठाइए और उठाइए और उठाइए, चार नंबर, और एक कॉर्ड्स माइक और भेज दीजिएगा मंच पे। साउंड ऑपरेटर जी, आप पहले माइक जितना भी सिस्टम है जो भी है उसको सिटी ले रहा है उसको कम करिए, बेस बढ़ाइए और बेस बढ़ाइए। ओके, अब तबला का टोन का देखिए, देखिए और बढ़ाइए, बस बस इतना पे छोड़ दीजिए। अब ढोलक देखिए नंबर क्या है, तीन नंबर का, हाँ बढ़ाइए इसको, अब टोन कम करिए इसका, टोन कम करिए, लेवल बढ़ाइए, और थोड़ा बढ़ाइए, हाँ बेस देखिए इसका कितना नंबर है, दो नंबर का बेस बढ़ाइए, ओके रहने दीजिए, और एक चाटी पे ना, नौ नंबर बढ़ाइए, थोड़ा सा और बढ़ाइए, बस बेंजो, ओके आर्गन का देखिए, बेंजो का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाइए, बेंजो का साउंड बढ़ाइए, बस ओके, पैड का देखिए थोड़ा सा लेवल पैड का बढ़ाइए, ओके चलो सब लोग रेडी, पांच नंबर को थोड़ा सा बढ़ा कर रखिएगा, वाला थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, और सिंगर का माइक भेजिए, सिंगर माइक, सिंगर का जो इसको और बनाइए, इसका डिले वो लेते रिबो वगैरह, मॉनिटर में उठाइए, ये जो मॉनिटर है हम लोग के स्टेज पे इसको थोड़ा उठाइए, म्यूजिक का आवाज कम आ रहा है मॉनिटर में, और ये सिंगर का भी माइक का बैलेंस बराबर रखिएगा,
थोड़ा सा बेस कम करिएगा और टोन में रखिएगा इसको, और वो लंबा वाला डीले दीजिए, लंबा वाला जो सराउंडिंग करता है वो डीले थोड़ा सा दीजिए इसमें। एक बार मैं चाहूंगा कि ओम नमः शिवाय महाशिवरात्रि एक बजाइए आप। छपरा जिला मसरक सारण बिहार, आप तमाम भोजपुरी के श्रोता सुनवैया जे भी भाई बहन माई अने सारा लोग आगे पीछे जे बैठल बा सबका के जी से गोर छू के प्रणाम करते नहीं तो एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दे जा भाई। वाह बहुत सौभाग्यशाली बानी कि इतना बड़ा मंच पे माननीय बड़ भैया श्री खेसारी लाल जी के माध्यम से हर कार्यक्रम में दो चार गो हमरो कहे सुने के मौका मिलेगा। दिल से आभार व्यक्त कर चाहा बड़ भैया के सारी लाल यादव जी के और पूरी टीम के। नेपाल के तो नाम सुनकर रोवा काम पत्र लाल की तालु के देख के ठीक लागत था। चली
हिंदू सभ्यता संस्कृति में कोनो भी मांगलिक कार्यक्रम शुरू करे से पहले ओह गजानन के याद कल जला, गणेश भगवान के याद कल जला, एगो गणेश वंदना से शुरुआत रही। एकरा बाद पूरा मजा ली लोग, लोग दिन भर चटनी चाटी आराम से मजा काटी। थोड़ा सर इसको बना के रखिएगा। के अपना माई से प्यार कर रहा तनी हाथ खड़ा करवा, जे अपना माई से प्यार करे तो हाथ खड़ा करी, जे जे अपना माई से प्यार करे तो हमें हाथ खड़ा कर भैया। तारा लोग कितना ढोला अपना माई से क्या क्या प्यार कर हाथ खड़ा करी सबे। एक बार फिर से बोली चंदन वाली मैया की, चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा, अच्छी लगी तो जोरदार ताली से स्वागत करिएगा। कहना है इस दुनिया में मां की दुआ कभी टाली नहीं जाती, इस दुनिया में मां की दुआ कभी टाली नहीं जाती, मां की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। बर्तन माज के चार बच्चों को मां पाल देती है भैया, लेकिन आज के जमाने में चार बच्चों से एक मां नहीं पाली जाती, चार बच्चों से एक मां नहीं पाली जाती। आप लोग ताली बजाने में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, क्या बात है भाई, एक बार जोर गड़गड़ा के तन ताली बजाओ जबरदस्त। हाँ आई कोई कहीं कम कर मर गया। प्रथमे गुणाजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश की हो, तृतीय शारदा मैया, नी मेरे कागज करो की सर्व मंगल सीरे नारायणी नमोस्तुते। आज बहुत ही पावन दिन है, महाशिवरात्रि के दिन है, और जितना भी यहाँ बाबा भोलेनाथ के भक्त बाबा हम सबका से काफी वो जयकारा लगाई हमारे सुने प्रेम से बोली शंकर भगवान की। आइए वो गणेश वंदना साहब के बीच में सेवा रही। आइए हमारे तमाम मीडिया वाले भाई है जितना आई मैंने सारा उजाला इंटरटेनमेंट धैले सबकर स्वागत बा, सारा लोग के भाई स्वागत बा। आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहल बनी। चली एगो लड़का कहा था बाबा के दरबार में जाके राजन भैया कि तेरी जय हो गणेश, कि तेरी जय हो गणेश, कि तेरी जय हो गणेश,
तेरी जय हो गणे, कि तेरी जय हो गणे। एक बार तनी सारा लोग हाथ खड़ा कर भैया आगे पीछे सारे लोग तने दोनों हाथ खड़ा कर सब भाई सारा लोग आगे पीछे सब सारे लोग और ताली के साथ कि तेरी जय हो गणे, जितना हमारे भाई है सारा लोग हाथ खड़ा करें इससे भैया और ताली के साथ कि तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणे। माता गोरन तेनु जनमदियो, माता गोरन तेनु जनमदियो, माता गोरन तेनु जनमदियो, माता गोरन तेनु जनमदियो, शिव जनमदियो। एक बार बोल 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 महाराज की कि तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणे। बिना प्रभु के मर्जी के वो पता ही ना डोले ला। कभी कहा तुम कारज पूरन तगई हो, कारज पूरन तगई हो, शांति बना के भाई गिर जी बोलो चोट चोट लाग जाई और बांस पर जितना भाई चल रहा है मरते तो लोग के चोट लाग जाई। शांति बना के देखा भैया क्या लोग के सामने बैठल बानी भैया एकरा बाद आप सबके बीच में लगातार कंटिन्यू आप ही सब खातिर आइल बानी आप सब शांति बना के भैया के देखी मजा ली सब है ऐसा ना होके कि आपस में चोट चोट लाग जाए के होके शांति बना के कि शिव नदी उपदे
कि तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। एक बार ब्रज से बोले गणपति महाराज की, भैया के बुला दी, जोर से जोर से ललकार के बोल बोलो तो गड़गड़ा के ताली बजाओ, पहले तो भैया को बुलाई और जोर से ताली मर दे। देखिए ये बात है, तबला की छाती उठाइए भैया, तबला की छाती उठाइए। मैं चाहूंगा बड़े भैया खिसारी लाल यादव जी आए, क्योंकि ये जनता जनार्दन सिर्फ आपकी है। अरे चलिए वो हालत करके चालू बजा लो मंदिर। खत्म ना हो जाता तू लोग छोड़ी हो मत क्या क्या आप लोग से आगे की थोड़ा इधर उधर हो जाए सामने सामने गाली मनु खाड़ा रहा लेकर के निहुरा के अस्थिर को दे हल। चलिए आयोजक के मौलापुर नगर पालिका पूर्व मंत्री माननीय हमारे प्रभु शाह जी और उनके साथ आए हुए जितने भी लोग हैं और हमारे शिखर जी संतोष जी सबको धन्यवाद। आपके साथ जितने भी मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, सबको ताहे दिल से प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद का कामना करूंगा कि ऐसे ही। और एक बार मैं चाहता हूं कि हमारे मंच पे जितने भी लोग हैं, हम सब के पूजनीय हैं, हमारे परिवार के गार्जियन हैं, तो एक जोरदार हल्ला करके ताली बजा दो सबके स्वागत में। आई लव यू। इधर भी आई जाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ना साइड रहिएगा ताकि इन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो देखने में। आप लोग इधर आ जाओ ना, इधर बहुत सारी जगह पड़ी है, नहीं तो फिर मुझे इधर आना पड़ेगा आप सबके लिए। आते रहूंगा, चलो कोई बात नहीं, यही मेरा काम ही है। दिखाओ बाबू दिखाओ। तबला का उठा लीजिए, ताकी का पांच नंबर। Thank you.
आज महाशिवरात्रि का दिन है और ये दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि भगवान शिव नहीं होते तो ये दुनिया नहीं होती। उनके बदौलत इस दुनिया का आविष्कार हुआ, इस दुनिया का पूर्ण निर्माण हुआ, क्योंकि उनका बहुत योगदान है। ये जब जल था तो आदि शक्ति द्वारा मिलके और पूरी इस सृष्टि की रचना हुई। तो हमारे लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। आज शिव के दिन, आज हम सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। तो आज उनके प्रांगण में हम सब हमारे मंत्रीगढ़ से लेकर जितने भी सहयोगी हैं इस कार्यक्रम को, मौलापुर की धरती को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना और ढेर सारी बधाइयां कि ऐसे ही कार्यक्रम होता रहे और आप सब कलाकारों को ऐसे ही प्यार निछावर करते रहे। कि जय गणेश मंगल कर, विघ्न हरो गणेश, एक दंडी करी बज बदना, सिद्धि करो कि माँ के ज्योति से नूर मिलता, सभी के दिलों को सरूर मिलता है कि माँ के दरबार में जो जाए खाली हाँ बनल रहा यार, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। चलिए एक भक्त भाई के दरबार में गए और क्या कहा, क्योंकि आदि शक्ति को पहले याद करना बड़ा जरूरी होता है। ये मॉनिटर नहीं बज रहा, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे पीछे वाला मॉनिटर बंद हो गया है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। कि माटी के मूर्ति से तकली मुस्काई के, और ऊपर चढ़ जाएगा, और ऊपर
सफा मिस्त्री बड़ल तू लोग जगदा उतर सारा पतई झाड़ लेलस लो ए लोग के बुझा लगे छत पर चढ़ल बन छत छत भाई बड़ा लो मिस्त्री अब होगा लो तू लो तो जाइबे करबा नीचे वाला संत के चरण के कह दे से हो बासवा के कपार में मन ढूके कोनो कोई नगर कहीं एडजस्ट कर सकता आदमी बन जी बलो कि यहाँ की खाती यहाँ की बाड़ी अरे पानी खाती पानी कि यहाँ की खाती यहाँ की बाड़ी पानी खाती देखिए भाई ये जिसके पोस्टर है कौन रिलीज करके छोड़ दिया है ये किसी जिसका भी फिल्म है प्लीज अपना फिल्म ले जाइए दोनों भाई बहन हो अलग अलग हो बस बाबूजी का नाम का हो शेर सिद्धू बुझाते जाइए तू अपना मन से भागल बहु हिसाब से बतिया होता कोई बात नहीं बेटा यहीं पे रहो माई आई है माई नहीं आई है घर देख ले बड़ी हाँ तोर घर पता नहीं है तो तू थारी माई के ने क्या कर आई बड़ा जो हमे घर पता नहीं है तो अच्छा यहीं पे रखिए कल तुम लोग चले जाना घर अपने तुम्हारी मम्मी पापा दूसरे प्रोडक्शन के तैयारी में होंगे मेहनत निकालो हाँ तुम लोग भुला भी जाओगे तो लोग खींच लेंगे वो चिंता मत करो तो सर फिल्म रिलीज हो जाएगी कि यहाँ की खाती यहाँ गदारी पानी खाती पानी जे जैसे चाहे वैसे मिले मदारी खाती यहाँ गदारी पानी खाती पानी जे जैसे चाहे वैसे मिले कि मैया सब के दर्शन देली मन हर सराई के कि मैया सब के दर्शन देली मन हर सराई के कि जबे रूप सुदामन नाहे हमरा दिल लड़ पाए तू बोला ना कि जब से बैठली मैया हरे के पंडाल में अज बेबे ऊर्जा देखा बड़े प्यारे लाल में वहां से महिलाओं को हटा दीजिए प्यार से इनको इधर बैठा दीजिए महिला जितनी हैं बच्चे जितने हैं छोटे छोटे आप लोग थोड़ा सा पब्लिक को शांत करके और वहां से महिलाओं को हटा दीजिए आराम से प्यार से छोटे छोटे बच्चे हैं किसी का नुकसान ना हो हम लोग यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं प्यार के लिए आए हैं कोई नुकसान के लिए नहीं महिलाओं को भीड़ से हटा दीजिए जो भी महिला है इनको इधर बैठा दीजिए या यहीं पे बैठा दीजिए ये जमीन खाली है ना यहीं पे बैठा दीजिए यहीं पे बैठा दीजिए हेलो या साइड में कहीं बैठा दीजिए महिलाओं को वहां से निकाल के महिलाओं को इधर कर दीजिए क्योंकि ये मानने वाले लोग में से नहीं है ये लोग प्यार करने वाले लोग हैं और प्यार में कुछ भी कर जाते हैं है ना हम समझ रहे हैं प्यार इतना प्यार काहे काहे कर रहे हो कि नुकसान कर देते हो भाई ओवर कर देता लो इसी प्यार ने मेरा नेपाल में चार गो गाड़ी जलवा दिया इतनी मोहब्बत है ये गाड़ी तक जला देते हैं
क्या प्यार है कि जब से बैठली मैया हरे के पंडाल में आज के मुर्चा देखा अरे बाते प्यारे लाल में कि जब से बैठली एक काम करिए महिलाओं को हटाइए मत। हेलो महिलाओं को यही बैठा दीजिए। हेलो हेलो यही बैठा दीजिए। वो बेचारी देखने के लिए आई है, यहाँ बैठाइए। यही बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये उपद्रव नहीं करेंगे, ये बैठ कर देखेंगे। आप लोग बैठ जाइए, यही कोने पे सब पकड़ के बैठिए। हो जाइए, मंच को खाली करके थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। आप लोग बैठ जाइए। ये महिलाएं हैं हमारे देश की, ऐसी महिला है कि इनके बिना पूरी दुनिया अधूरी है और इनका सम्मान बहुत जरूरी है। आप लोग यही बैठ जाइए, प्यार से बैठ जाइए। जितने महिला हैं आप लोग बैठ जाइए। बैठ जा भौजी, भाईजी बैठ 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 के मुर्चा देखा अरे बाते प्यारे लाल में कि खेसरिया सभे पूछ कमलस देवी भजनिया गाए कि खेसरिया सभे पूछ कमलस देवी भजनिया गाए कि जचबे रूप सुमा मन लागे कि रेल गड़िया धराई दा बलनवा आज महाशिवरात्रि है और गौरा जी महाशिव से बात कर रही है कि बीते पत्थर पर रजनी की नया राम लागता आ तो कही घर बनवाई बाये भोला धाम लागता। One, two, three, four. तो कहिए घर बनवाई बाई भोला धाम लागता अरे कहिए घर बनवाई बाई भोला धाम लागता दीवाना मैं तेरा दीवाना
काहे मुझे झुमके छोटे लगा रसा हा हा नजरों से झुमके आए मुझे झुमके छोटे लगा रसा तो कहिया घर बनल अरे कहिया घर कि दूसरा के दे दिल महल अरे अपने तो बनल बड़ साचो में भिखा कि दूसरा के दे दे अपने बनल सच में भी अपने बनल सच में कि भांग पिसी के कलैया हमर जाम लागता कि पीस धातुर मोर कलैया ऐसे जाम लागता तो कहिया घर बनबै दो भांग लागता अरे कहिया घर बनबै नदी मरे निकला के न घर के खाना हम कैसे बताइए राजा कैसे रहे घर जनाना तुहरे आदत देखी तुहरे आदत पापा के बोला के चलिए अब एक गाना आज मंगलवार है ना आज भगवान शिव के ही दूसरा रूप मानिए हमारे हनुमान जी हैं तो एक भजन से सेवा उसके बाद मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आए हैं तो आप सबके बीच में अपनी बातें कुछ रखें जिन्होंने इस नेपाल को संवारने में अपनी बड़ी योगदान दी इनके टीम से लेकर इनके पार्टी से लेकर हर आदमी ने इस नेपाल को संवारने में चाहे वो रोड हो अच्छा है आप सबके विकास की बातें हो तो हरे लड़का रहो कोने बड़ो सो देखो उधर है आपके बच्चे जाके ढूंढ लीजिए कहाँ गए अलुआ कोड़े लड़का छोड़ के लगा तेरे कोबी की ने आई धो देलू लव सब एक भक्त भगवान हनुमान से हम भगवानी बोलते हैं वीर हनुमान से कैसे गाता कैसे कैसे कि पता न गईला तू तो एक बार आई बेटा अरे कि पता न गईला तू तो हे कि पता न गईला तू तो समुंदर के ठान के खुश भइल जान की पाके हनुमान के खुश भइल जान की पाके हनुमान के
खुश भइल जानकी ताके हर मान के खुश भइल जानकी पाके हनुमान खुश भइल जानकी खुश भइल जानकी पाके हनुमान के टूट गई बता उनका कितना देर आ गया भिखारी पांच मिनट में जी दो मिनट में एक मिनट में जल्दी से कह देने तक बढ़ा जाएगी और बस में लोग चढ़ जाएगी उस भइल जानकी पाके हनुमान के कैसे लंका में काके पाका लगवला राम नाम के अंगूठी माता सीता के देखवला राम नाम के अंगूठी माता सीता के देखवला हा राम नाम के अंगूठी माता सीता के देखवला राम नाम के अंगूठी सीता माता के देखवला दूरी तकाई कैला हो आसमान में दूरी तकाई कैला धानी आसमान के आ खुश भइल जानकी पाके हनुमान के खुश भइल जानकी खुश भइल जानकी पाके हनुमान के आराम से ऐसे मत करिए आप लोग किसी आपके अपने भाई को ही चोट लग जाएगा और वो नुकसान कर देगा इसलिए प्यार से और हमारे बीच भोजपुरी की सबसे बड़ी स्टार बड़ी ऊर्जावान हम सबके गार्जियन हम तो बहुत बाद में आए बहुत पहले आई थी आज भी उसे ही लगते हैं जैसे पहले लगती थी रानी चटर्जी जी जो कि हमारे बीच में आ चुकी हैं मैं चाहता हूं कि रानी जी का स्वागत ऐसे करो कि नेपाल हिल जाए एक ऐसा जोरदार हल्ला करके ताली बजा दो बजाओ ताले
अरे पगले तुम लोग शांत हो, कैसे शांत हो पगले? हल्ला करो। लावे, थैंक यू थैंक यू। भक्त कहता है कि जाई अशोक वाटिका जलवा देखैला, जाई अशोक वाटिका जलवा देखैला, जवन जवन मन कई तुरी तुरी खैला। हाँ हाँ, जाई अशोक वाटिका जलवा देखैला, जवन जवन मन कई तब तब खैला। और ये हनुमान वंदना गाने का भी एक रीजन था, हमारी माता सीता जनक पास में ही है ना, जनकपुर पास में ही है ना, तो प्रेम से एक बार सीता जी के लिए आवाज लगा दो। प्रेम से बोली माता सीता की, जाई अशोक वाटिका जलवा देखैला, जाई अशोक वाटिका जलवा देखैला, जवन जवन मन भइल तब तब खैला, सुभाईली जानकी आके हा हा खड़ा रहिए, हम जा